Hey guys, what's up? क्या कर रहे हो आप लोग? सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड सेकेंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल एंड माई न्यू वीडियो. सो गाइज, आज मैं करने वाला हूँ हेयर्स पर और अपने फेस पे एक ट्रीटमेंट. तो क्या है वो आपको वीडियो में दिखाऊँगा. और यूजली मैं हर संडे को करता हूँ, बट पता नहीं चला संडे कब गया. सीरियसली मुझे पता नहीं चला संडे कब गया. सो संडे चला गया तो मॉर्निंग मंडे की मॉर्निंग में मैं कर रहा हूँ अभी. सो चलो करते हैं. करेंगे वो प्रोडक्ट है ये है स्किनी बेरी का एलेगेना प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ. सो इस प्रोडक्ट के पहले मैं बेनिफिट बता दूँ आपको. तो इस प्रोडक्ट के बेनिफिट कुछ ऐसे है कि आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, बाल हेयर फॉल कम हो जाएंगे, बाल की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी और तो और आपको प्रॉपरली पढ़ना हो तो यहाँ पे पूरा आपको इसका ब्रीफ जो है ये सब दिया हुआ है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है. सो आप इसको यूज़ कैसे करते हो वो मैं बता देता हूँ आपको. इसको यूज़ करने बहुत इजी है. पहले आपको अपना हेयर वॉश करना है और टॉवल से पूछ देना है और फिर बाद में इसको आपको जितना आपको अपने बालों में चाहिए होता है उतना लगाना है. सो गाइस, बस इतना ईजी है तो इसको चलो लगाते हैं. और इसकी स्मेल बहुत बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत स्वीट, बहुत अच्छी इसकी बहुत अच्छी स्मेल है. आप बोलोगे इस पर घर पे कैसे कर पाएगा भाई तू, क्यों हेयर स्पा में तो स्टीम भी चाहिए होता है. तो यूजुअली मैं स्टीम यूज़ करता नहीं हूँ. इसको अप्रोक्सीमेटली मैं कम से कम 10-15 मिनट लगा के छोड़ देता हूँ और फिर धो लेता हूँ. तो इससे मेरा हो जाता है. अगर आपको किसी को स्टीम यूज़ करना हो तो आपको भी पता है कैसे करना है. वो गर्म पानी करना है और बाद में टॉवल से अपना सर ढक लेना है. सो लाइक वैसे भी आप स्टीम कर सकते हो, मैंने ट्राई किया हुआ है, मेरे को रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिला था. और यूजुअली जो वैक्स और जेल टाइप चीज़ यूज़ करते हैं वो बंदे, उसको तो करना ज़रूरी होता है. और यूजुअली जो अपने स्किन हेयर बॉडी केयर अच्छे से करता है उसे तो ये सब करना चाहिए. मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है. तो स्पा में तो करा, मतलब सैलून में तो कराते ही कराते लोग. सो मैं कभी कभार महीने में एक दो बार घर पे कर लेता हूँ. बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है गाइस, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है.
तो गाइस बस इसको ऐसे ही आप मसाज करते रहो 10-15 मिनट तक। तो जब तक ये 10-15 मिनट हो तब तक मैं आपको फेस का बता देता हूँ। तो गाइस अब मैं फेस का इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो देख रहे हो आप, ये जो है सब एकदम डल हो चुका है मेरा फेस ये सब। तो इसके लिए मैं हर टाइम महीने में कम से कम 2 या 3 बार मैं कम से कम दो तीन बार मैं यूज़ कर लेता हूँ। और ये है 1 स्पून हल्दी, 2 स्पून वाटर और 1/2 स्पून एरोवेरा जेल एंड ये जिंजर मतलब अदरक। तो नॉर्मली इसको वही अच्छे से मिक्सअप करके डीप करके स्क्रब करना है आपको। अब इससे भी होता है कि वो भी मैं आपको इसके करने आप करने के बाद अपना फेस वॉश करने मतलब फेस वॉश या करना है, फेस तो वॉश करना ही नहीं है, मतलब फेस वॉश नहीं करना है, फेस वॉश करना है खाली पानी से। सो इससे होता क्या आपको एंडिंग में मैं बता दूंगा एकदम प्रॉपरली। तो आपको मतलब कुछ ख़राब नहीं है यार, आपको करना चाहिए, मतलब आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। ऊपर से आप गर्मी भी आ गई है तो लाइक ये ठंडक भी देता है आपकी बॉडी को, मतलब एक रिलीफ देता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो और कुछ ऐसी मतलब फेस को ऐसा मतलब डल नहीं करता, बेकार नहीं करता, मतलब एकदम वैसा कर देता है कि आपके लिए यूज़फुल होगा। तो भाई इसको भी एटलीस्ट 15 मिनट तक आपने ऐसे स्क्रब करने के बाद एकदम ठंडे पानी से धो लेना है। ठंडा मतलब मटकी का भी होगा तो भी चलेगा, मतलब मटकी के पानी में धो के ओनली पानी से धो के रख देना है।
बस भाई 10-15 मिनट तक आपको पढ़ना है। मैंने 10-15 मिनट पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, आपको भी बताया 30-1 घंटे का रिकॉर्ड मतलब ये वीडियो बन जाता। तो बस आपको बस यही करना है, इस बार आपके बाद मतलब नहाना धोना भी हो जाएगा। मतलब लॉकडाउन में मैंने बहुत सुना है कि अभी ऐसे टाइम पे लोग नहाते नहीं हैं, मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक नहाते नहीं हैं। सही है, मैं भी नहीं नहाता था पहले बीच में, बट अभी नहाने लग गया हूँ। तो बस भाई 10-15 मिनट तक आपको करना है। मैंने 10-15 मिनट पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, आपको भी बताया 30-1 घंटे का रिकॉर्ड मतलब ये वीडियो बन जाता। तो बस आपको बस यही करना है, मैं ड्राइव वगैरह मारूंगा तो बहुत वैसे हो जाएंगे। और एक सेकंड, मैं बहुत टाइम मतलब कभी कभी मैं ये करने के बाद बाल सूखने के बाद ये ऑयल भी यूज़ कर लेता हूँ। और ये ऑयल मतलब वैसा ऑयल नहीं जो रेगुलर ऑयल होता है, ये ऑयल मतलब वैसा है कि मतलब सूख भी जाता है, मतलब शाइनिंग देता है आपके बालों को खाली। तो ये वो ऑयल है, तो ये भी मार ले मतलब मैं मारता हूँ, आपको मारना हो तो आप भी देख लेना। अभी तो मैं लिंक भी नहीं डाल सकता, लिंक डालूँगा तो मतलब कहाँ से बाय करूँ। अभी बाल देख लो, बाल थोड़े बहुत गिले हैं मेरे, इसलिए आपको सही से पता नहीं चलेगा। बाकी आप ड्रायर मारोगे या थोड़ी देर बाद सूखने के बाद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फेस भी मतलब अभी थोड़ा बहुत है मैं, मतलब अभी गर्मी के चक्कर में मेरे बहुत बढ़ गए पिंपल। तो अगर आपको पिंपल पे या मेरे जो अभी और ये मेरे मतलब हाथ पे मतलब जो हाथ पे बाल होते हैं और पैर पे जो बाल होते हैं वो मैं कैसे रिमूव करता हूँ, उस पर भी आपको ब्लॉग या देखना है मैं कैसे करता हूँ, तो आप देख लेना। मतलब मैं देख लेना कि आप बता दें तो मैं डाल दूँगा, और नहीं तो मैं ही डाल दूँगा। बाकी मतलब कैसे मैं हेयर रिमूवल करता हूँ और कैसे मैं पिंपल का और भी मतलब ऐसे ट्रीटमेंट है जो मैं घर पे यूज़ करता हूँ। बाकी ये देखो, आप धूप आ गई तो आप मेरा फेस देख सकते हो, खाली नॉर्मल पानी से ही धोया है मैंने, कोई फेस वॉश या कोई सोप यूज़ नहीं किया मैंने। सो मतलब आप भी यूज़ करके देख सकते हो, मतलब अच्छा, मतलब ऐसी चीज़ है कि आप ड्राई स्किन और ऑयली स्किन पर भी यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइज आज इसी नोट पे हम करते हैं वीडियो ख़त्म। सो गाइज, और ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो मतलब अभी मैं ठीक से कमेंट्री है मतलब बातचीत नहीं कर पाया तो वो उसको नोट मत करना। बाकी आप मेरा जो ट्रीटमेंट था उसको अगर आप अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और ऐसे एक दो चीज़ और है, मतलब हेयर रिमूवल हो गया, पिम्पल हो गया, और भी एक दो चीज़ ऐसी जो चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ, सो आप वो भी बोल देना। अगर इंस्टा में कमेंट में जहाँ पर आपको बोलना है आप बोल देना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा या ऐसे भी बना दूँगा मैं। सो दैट्स इट गाइस टुडेज फॉर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे होम, बी स्ट्रांग, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। बाय बाय, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देट, take care.